हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर, जो कि आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो मेरा ग्राउंड का क्लाइंबिंग रोज है। आज मैं आप लोगों के साथ ये प्लांट, अगर आपका पॉट में है तो आप हमें इस प्लांट का कैसे करके ये जो नवंबर दिसंबर महीने में केयर लेनी चाहिए, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है फ्रेंड्स, और इसको मैंने आप लोगों के सामने ही रिपोर्टिंग किया था, और साथ में जब हम इस प्लांट को फर्स्ट टाइम फर्टिलाइज किया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद से हम इस प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाले थे फ्रेंड्स। ऐसे तो हम 3 महीने तक यहाँ पे नहीं थे, तो मेरे प्लांट्स में बहुत सारे वीड्स उग गया था, तो वो सबको थोड़ा बहुत तो मैंने आने के बाद निकाल दिया। और अभी हमें आज आप लोगों के साथ जो शेयर करना है वो इन प्लांट्स को अभी हमें प्रूनिंग करना है। आप लाइट प्रूनिंग कीजिएगा, अभी थोड़ा लेट हो गया है, और नहीं तो मीडियम टाइप का भी कर सकते हैं। और ये प्रूनिंग करने के साथ साथ हमें इस प्लांट का चारों तरफ से कुछ मिट्टी भी निकालना है। और मेरा तो इसको रिपोर्टिंग करने का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत उठाऊंगी और आप थोड़ा ज़्यादा करके उठा दीजिएगा। और उसके बाद में वहाँ पे नया मिट्टी हमें डालना है, और साथ में इस प्लांट को हमें बहुत ही अच्छे से कुछ फर्टिलाइज़र भी डालना है फ्रेंड्स। ये वाला शूट को मैंने आने के साथ साथ 3 महीने के बाद जब हम इधर आया तो उसको काट दिया था, बहुत ही लंबा बन चुका था वो। ऐसे तो ये प्लांट पॉट में है इसलिए अभी इतना लंबा मुझे नहीं देना है, इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि इसका सहारा भी अच्छे से नहीं दिया है। और इसके बाद हमें अच्छे से फर्टिलाइज़र भी करना है इस प्लांट को। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और जितना भी ब्रांचेस आपको अच्छा ना लगे वो सारे ब्रांचेस को आप हटा दीजिएगा, जो वीक स्टेम है वो सबको भी आप हटा सकते हैं, और साथ जितना भी सूखा हुआ ब्रांचेस है वो सबको भी हमें काट देना है। और उसके बाद देखिए, फंगिसाइड पाउडर को आपको ऐसे करके खोल करके लेना है, लिक्विड बना के लेना है, और उसको जितना भी हमने ब्रांचेस काट लिया वो सब का टेनिया में आपको ऐसे करके देना है। तो सारे ब्रांचेस का टेनिया में आप ऐसे करके दे दीजिएगा। और उसके बाद हमें फिर मिट्टी भी थोड़ा बहुत चेंज करना है। और देखिए, हमने ये सारे यहाँ पे बहुत सारे वीड्स हो गया था, और देखिए अभी भी इसका जो रूट्स रह गया था एक वीड्स का, और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको भी जितना भी जंगल वगैरह उग गया है वो सबको हटा देना है। और उसके बाद हम इसका जो सॉइल मीडिया है उसमें से चारों तरफ से हमें मिट्टी प्लांट्स के चारों तरफ से हटाना है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करके हटाइएगा। ऐसे तो मेरे प्लांट्स में से मिट्टी नहीं चेंज करने से भी चल जाता, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत उठाऊंगी मैं भी। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे करके आपको उठाना है। अगर आपका 2-3 साल पुराना प्लांट्स होने से तो आप उसका रूट्स भी काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस साल मत ही काटिए, थोड़ा लेट हो गया है। और अभी आप बस इसका ऐसे करके जो चारों तरफ से मिट्टी उठा दीजिएगा, और उसके बाद हम इस मिट्टी में नया मिट्टी भरेंगे, और साथ में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी हम डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग से ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपको फूल देगा और बहुत सारे फूल खिलते हैं। और स्प्रिंग से मानसून तक ये अच्छे से फूल देते हैं हमें। और इसके जो हमने मिट्टी हटा दिया इसका चारों तरफ से, इसमें अभी हमें जो नया मिट्टी डालना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गार्डन सॉइल आपको लेना है, ये फ्रेश गार्डन सॉइल है, लेकिन मैं इसको सूखा के मैंने रखा है। और उसके साथ ये कंपोस्ट लेना है, दोनों सेम अमाउंट में लेना है। और ये मैंने बकरी का जो गोडडंग होता है वो है, और ये फार्मी कंपोस्ट, वो शायद काउडंग कंपोस्ट है, और ये वाला पत्तियों का खाद है, ये मैंने खुद से बनाया है सूखा पत्ते से। और ये है देखिए, और साथ में ये फार्मी कंपोस्ट है।
तो ये सारे मेरे पास अवेलेबल था तो सबको इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ले लिया। लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल है वही आपको लेना है एक भाग, और मिट्टी यानी गार्डन सॉइल भी आपको एक पार्ट लेना है। तो दोनों को अभी हमें अच्छे से मिला लेना है। और उससे पहले मैं एक मुट्ठी जो कंपोस्ट है वो प्लांट्स के चारों तरफ ऐसे करके मैंने दे दिया, और आप भी दे सकते हो। फिर उसके बाद हमें सबको अच्छे से मिला लेना है, मिट्टी और कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है वही आपको लेना है। और वो सबको ऐसे ही करके अच्छे से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें प्लांट्स के चारों तरफ बिल्कुल ऐसा ही करके आप भी दीजिएगा, और थोड़ा सा दबा दबा के आपको भराना है हल्का ऐसे करके, नहीं तो फिर एयर रह जाएगा। फ्रेंड्स, एयर अंदर रहने से वो फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, जो रूट्स होता है वो गलने का डर रहता है, तो इसीलिए आपको ऐसे करके हल्का हाथों से दबाना है। और उसके बाद हमें इसके ऊपर में फर्टिलाइज़र डालना है, और थोड़ा सा मिट्टी हमने रख दिया है लास्ट में डालने के लिए, इतना देखिए। तो ये हम लास्ट में डालेंगे, अभी हम फर्टिलाइज़र देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सारे फर्टिलाइज़र मैंने एक साथ मिला के रखा है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने जो मस्टर्ड केक पाउडर है वो ले लिया है, और 2 चम्मच नीम केक पाउडर लिया है, 2 चम्मच बोन मिल लिया है। अगर आपके पास बोन मिल अवेलेबल नहीं है तो आप सुपर फॉस्फेट 1 चम्मच आपको लेना है, और साथ में हॉर्न डस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है आप भी ले लीजिएगा। मैंने तो ले लिया वो भी 2 चम्मच, और साथ में आपको 1 चम्मच पोटास लेना है, ये 12 इंच के पॉट के हिसाब से मैंने बोला, और साथ में 1 चम्मच आपको फंगिसाइड पाउडर भी लेना है। तो ये सबको तो मैंने बहुत ही अच्छे से मिला भी लिया है, और अभी हमें इसको देखिए बिल्कुल ऐसे ही करके ऊपर में डालना है प्लांट्स के चारों तरफ। तो आप बिल्कुल ऐसा ही करके डालिएगा, और इसके बाद हमारा जो मिट्टी थोड़ा सा रख दिया वो भी ऊपर से हमें डाल देना है, और देखिए बिल्कुल ऐसा करके आप मिला दीजिएगा मिट्टी के साथ। फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर फूल देता है, आप मेरे वो क्लाइंबिंग रोज का वीडियो देख सकते हैं। और इसको तो मैंने इसी साल पॉट में ग्रो कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे करके आपको भी अभी फर्टिलाइज करना है, आप ज़रूर कीजिएगा, तो ये प्लांट आपको स्प्रिंग से बहुत सारे फूल देगा, और एक साथ बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। और इसमें अभी हम अच्छे से पानी डालेंगे। फ्रेंड्स आप भी बिल्कुल ऐसा ही करके पानी डालिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पानी देना है, ताकि प्लांट्स को वो हमने जो न्यूट्रिशन डाला वो प्लांट्स को बहुत ही जल्द मिल जाए। और फ्रेंड्स इसको आप अभी 2-3 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में आपको रखना है, उसके बाद आप इस प्लांट को फुल सनलाइट में रख सकते हैं, ये विंटर का, तब आपको बहुत सारे फूल देगा। और फ्रेंड्स इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। और फ्रेंड्स इसको आप कम से कम 4-5 घंटे का धूप जरूर दे दीजिएगा, तब आपका प्लांट्स में भी ऐसा ही करके फूल खिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।